दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा केंद्र से झटका, घर घर राशन योजना पर लगाई गई रोक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। तमिलनाडु सरकार ने रद्द की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा, अंकों के लिए गठित होगी समिति। दिल्ली और महाराष्ट्र में कल से अनलॉक, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल व गोवा में 14 जून तक लॉकडाउन। महाराष्ट्र में हो रही जमकर बारिश, 15 जून तक कई राज्यों में दस्तक देगा मानसून। बरेली और बुलंदशहर को भी कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट, अब यूपी में 67 जिलों में पाबंदियों से राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भारतीय मजदूर संघ के लिए हमेशा से राष्ट्र ही सर्वोपरि रहा है। गोरखपुर में कल से खत्म हो सकता है कोरोना कर्फ्यू, तेजी से कम हो रहे कोरोना के केस। गोरखपुर में विस्थापितों से मिले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, कहा गरीबों के साथ खड़ी है कांग्रेस। यूपी में दो माह बाद 20,000 के नीचे पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 1,052 नए केस मिले। चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला भाषण, कहा हम नॉर्थ कैलोनिया जीतने जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज, अगले साल कश्मीर पर मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। गुलाम कश्मीर में चुनाव से भाग रही इमरान की पार्टी, वरिष्ठ मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। ईरान की सीमा पर बाड़ लगाएगा पाकिस्तान, गृहमंत्री ने कहा आतंकवाद को रोकने के लिए उठाया कदम। कोरोना संक्रमण से लड़ने में मददगार हो सकती है ग्रीन टी, भारतीय मूल के रिसर्चर ने दी सलाह। बीसीसीआई यूएई और ओमान में टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार, भारत नहीं आना चाहते विदेशी खिलाड़ी। इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के कप्तान का फ्लॉप शो जारी, भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का औसत विलियमसन से बेहतर। टीम साउथी ने लगाया विकेटों का छक्का, बर्न्स के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए 275 रन। दिनेश कार्तिक का बयान आया सामने, कहा दुनिया की टीमें ऋषभ पंत के नाम से डरने लगी हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज का दावा, कहा इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच अभी भी जीवित है। सिंगिंग क्वीन नेहा कक्कड़ का जन्मदिन आज, फैंस ने सोशल मीडिया पर दी बेस्ट विशेस। डॉक्टरों पर हो रहे हमलों को लेकर वरुण धवन ने जताई चिंता, कहा सभी डॉक्टर भगवान के समान। सलमान खान की बहन अर्पिता ने शेयर की पति के संग रोमांटिक तस्वीर, खुद को कहा परफेक्ट कपल। यूरोपियन एक्टर को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे करण, 4 साल बाद फिर साथ अमिताभ, रामू और कोरोना जागरूकता के लिए बढ़ाएंगे। केकेआर ने अर्जुन कपूर को बताया असली मर्द, बोले बॉलीवुड में आप ही मेरे रियल फ्रेंड हो, कभी नहीं करूंगा आपकी फिल्मों की आलोचना।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।